సౌత్ ఇండియాలోనే అతి తక్కువ ధరలకే రత్నాలు అందించే ఏకైక సంస్థ 6 జేవిఆర్. तो ये इलेक्शन जो होता है ना, चाहे किसी से भी मुकाबला हो, उसको सीरियसली आपको लेना पड़ता है। हम टेक एवरी इलेक्शन सीरियसली, वेदर इट्स अ म्युनिसिपल इलेक्शन, पंचायत, मोबाइल मोबाइल आगे से मोबाइल नीचे रखो, पार्लियामेंट इलेक्शन इज इलेक्शन। यू डोंट हैव दिस कंफर्ट ऑफ इवन ब्लिंकिंग, सो यू हैव टू टेक योर एवरी अपोनेंट, वेदर इट्स X, Y, Z, whatever. And I mean, what part which we have done, and this will always help us in getting this seat. And hopefully around this time also, I'm sure that with the blessings of people and faith in Almighty Allah, we'll be successful and we'll win in the same majority. सर सीधे सामने, सर सामने देखिए, सामने देखिए, सर सीधा सर इस ओर देखिए, यहाँ सर सर सामने राइट साइड, राइट साइड। नॉट एग्री विद द बीजेपी आइडियोलॉजी, पीपल डू नॉट एग्री विद द वेनमस स्टेटमेंट्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर गिवन अबाउट वन पर्टिकुलर माइनॉरिटी एंड non performance of the government. And please understand that silence bhai, please understand one important thoda niche karo cell phone. What Mr. Modi has done with Agnivir, he is now going to go ahead and do it if he comes back in power with BSF, CRPF, with Railway Protection Force and SSP. 4 years of service, you are out. Because if this can, because if he has done this for the army, he will definitely do it for CRPF, SSB, BSF, and all you know paramilitary forces, and along with RPF. So this people must understand, it has not come out. जब उनकी पार्टी ने खुद ये कहा था कि मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, अब नहीं मालूम नरेंद्र मोदी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, जीतेंगे या नहीं जीतने पर भी वो मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं मालूम। तो ये तो उन्होंने तो अपने पार्टी के लीडर्स को किया है, क्या बोलना चाहिए इस तरह के रिमार्क नहीं करो। नहीं आप ये सुन तो लीजिए, हम ये कह रहे हैं कि मोदी को वोट दीजिए, दुबले को वोट दीजिए, हम ये कह रहे हैं कि जिसके बाल सफेद हैं उनको वोट दीजिए, तो बुरी बात क्या है? बीजेपी वाले इतने नाराज क्यों हो गए उस पर? नहीं 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 नहीं, बीजेपी वाले तो क्या उसको ड्रॉल करना शुरू कर दिए, वो इसी भाई सब चीज है ना भाई। आप अपने लीडर को बोले चप्पल उसका बोल रहे मोटा है, मोटे को कामयाब करो, बोल रहे दुबले को कामयाब करो, जिसके बाल सफेद है उनको कामयाब करो, तो इसको बुरी बात। 400 पार का नारा अभी भी आपको लगता है सर पॉसिबल है? 400 पार, ये 400 पार का जो नारा मोदी ने दिया, भारत के दलित और जो संविधान से मोहब्बत करते हुए समझ गए, ये 400 पार का मतलब ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान गया, आरक्षण गया या बेसिक स्ट्रक्चर चला जाएगा, आर्टिकल 29-30 रहे, तो ये मैसेज जा चुका है। स्टिल मोदी इज कंसिडर्ड द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन मल्टीपल सर्वे इन द कंट्री। सर तेलंगाना चुनाव खत्म हो गए हैं, आप अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए? अरे तेलंगाना में कहाँ खत्म हुए भाई, क्या बोल रहे हैं? 6 बजे तक वोट डालना है आप लोगों को, चुनाव प्रचार के लिए अलग अलग राज्यों में। 6 बजे तक जाइए भाई, वोट डालिए, ऐसा कैसा होगा? This is what I'm appealing to the youth of India. Please understand this. अब उसको हिंदी में बोल देता हूँ कि इस तरह से मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस मुल्क के युवाओं को, जो इस देश की आबादी का 50% हिस्सा है, जो हमारे देश का मुस्तकबिल है और जिनके कंधों पर इस देश को चलाने की जिम्मेदारी आएगी। मोदी सरकार ने जब अग्निवीर की स्कीम आर्मी में ला ली और 4 साल के बाद आपको निकल जाना पड़ता है, तो वैसा ही ये करेंगे सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, आरपीएफ में, एसएसबी में। तो ये आपको समझने की जरूरत है, और वही आर्गुमेंट देंगे, आपके हाथ में 20 लाख आ जाएंगे,
आप वो कर लीजिए। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। रेलवेज में भी करेंगे नहीं करेंगे, और आरपीएफ में तो करेंगे। विच गोज एंड स्टैंड एट द बॉर्डर्स एंड प्रोटेक्ट द कंट्री एंड आवर सेल्व्स एंड द इंडियन सिटीजन, ही विल डेफिनेटली डू दिस बिकॉज फॉर योर सर्विस यू आर आउट। सर द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज ऑनर। सो इट इज रॉन्ग टू क्लेम OIC is bigger than this or export. No, we are not. We are all servants of this country, servants of the people. We are serving to ensure the democracy gets strengthened more. अरे हर इलेक्शन में मेहनत करना पड़ता है, लेकिन ये बार ज्यादा चल रही है। ये बार से क्या मतलब, ये बार देखिए, मैं 94 का जब इलेक्शन लड़ा था उस वक्त मेरी सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी थी उस वक्त के आंध्र प्रदेश में, और सेकेंड फिफ्थ लार्जेस्ट थी कंट्री में। मैं अकेला एमएलए था, मेरे पार्टी से मैं ही जीता था। उसके बाद 96 का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, एक एमएलए से हम पार्लियामेंट इलेक्शन जीते और वेंकैया नायडू साहब को हराया। किन मुद्दों पर लोगों को निकलकर वोट करना चाहिए? हमने देखा काफी आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, काफी कमल भी हुआ। नहीं, सबसे सबसे अहम बात यह है कि अगर आपको भारत की जमहूरियत में, लोकतंत्र में भरोसा है और आप भारत से मोहब्बत करते हैं और आप भारत को ताकतवर रूप में देखना चाहते हैं, आप भारत को ऐसा मुल्क देखना चाहते हैं जहां पर गरीबों की, मुस्लिमों की आवाज सुनी जाए और गरीबों के से इंसाफ हो, नौजवानों को रोजगार मिले, आप सब लोग, आपके दिलों में एक सेफ्टी का एहसास पैदा हो जाए, तो अपने वोट का इस्तेमाल करें। आई एम द फेस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। Sir, If Mr. Modi comes back in power, he will include the, he will replicate the same scheme for CRPF, SSP. No. I have never celebrated my birthday. Is it your birthday today? No, I have never celebrated my birthday. Alhamdulillah, I'm happy that Allah subhanahu wa ta'ala and my mother gave birth to me, and I was born to this my parents, my late father, my mother, I'm extremely grateful to them. Whatever I am in this world is because of their blessings, because of their There's a poster that says, give the vote to OIC on his birthday today. Not at all. You have to vote not for an individual. See, the whole understanding of you and the message of anyone going on to vote is forget about individuals. Forget about all these cult following. The country is bigger than any individual. Don't vote for an individual. Vote for the country. Vote for a party. How are you celebrating your birthday today? No, it's a special day today. What is that? It's a special day because it is a day of democracy. It is a day of people to come out and show their like and dislike. देखिए चिवड़ा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में सलाम भाई राइट पेंची पुरुष।